प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अश्विनी वैभव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई निर्णयों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन शुरू हो रहा है, किसानों को प्राथमिकता देते हुए 14 फसलों पर MSP कैबिनेट के अपूर्व किया है। MSP कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। धान का नया MSP 2300 रुपया किया गया है, जिसमें 117 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2013 से 14 के दाम 310 रुपए थे। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कपास MSP 7121 रुपए 501 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2013 से 14 में 3700 रुपए थे। रागी 4290, मक्का 2225 रुपए, मूंग 8682, तूर 7550, उड़द 7400, मूंगफली का तेल 6383 रुपए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 लाख गोडाउन बनाने का काम देश भर में चल रहा है। पहली दो टर्म में इकोनॉमी का बेस बना है, अब उस पर ग्रोथ अच्छा बना है, किसानों पर फोकस है। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पालघर के वधावन पोर्ट के लिए 76,200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। पूरे देश की जितनी क्षमता है उसके बराबर एक अकेली वधावन पोर्ट के लिए तैयार की जाएगी। पोर्ट की गहराई जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से वह महत्वपूर्ण होती है। नेचुरल ड्राफ्ट 20 मीटर है, जो कि काफी अच्छा है। उनके कंसर्न को एड्रेस किया गया है। इस पोर्ट में 12 लाख रोजगार उत्पन्न होगा। मेगा कंटेनर शिप इसमें आएंगे। ये पोर्ट तैयार होने के बाद दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में से एक होगा। मुंबई से इसकी दूरी 150 किमी है। उन्होंने आगे बताया कि इस पोर्ट के निर्माण के लिए हर एक स्टैक होल्डर से चर्चा की गई। डिजाइन में बदलाव हुआ और स्थानीय लोगों के फायदे के हिसाब से भी ये पार्ट बनाया जाएगा।